दोस्तों हैदराबाद से माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग की पिक्चर आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन आज मेरे पास में आपके लिए हैदराबाद से एक अलग तरीके की कहानी है। और पुलिसकर्मी या उनके परिवार से हमारी खास अपील है कि वो ये रिपोर्ट जरूर देखें। ये पूरी कहानी इस वीडियो में है। गले में फूलों की माला से लदी ये महिला माधवी लता है, जो हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी है और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इस वीडियो में एक महिला पुलिस अधिकारी उनसे गले मिलती है और इस वजह से उनकी नौकरी चली जाती है। यानी ड्यूटी के समय जादू की झप्पी देना इन्हें कैसे भारी पड़ गया दोस्तों, अब इसे समझिए। दोस्तों वायरल वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता चुनाव प्रचार के दौरान दाहिनी तरफ मुड़ती हैं और उनकी नजर एक महिला पुलिस अधिकारी से मिलती है। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद महिला पुलिस अधिकारी माधवी की तरफ बढ़ती है, उनसे हाथ मिलाती है और फिर मुस्कुराते हुए गले लग जाती है। यही सीन तेलंगाना की सरकार और पुलिस प्रशासन को ऐसे चुभ गया जैसे माधवी लता का तीर ओवैसी को चुभा था। दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से मामला हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी के पास पहुंचा। उन्होंने जांच कराई, पता चला ये हैदराबाद के सैदाबाद इलाके का वीडियो है और वीडियो में माधवी लता से गले मिल रही पुलिस अधिकारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उमा देवी है, जिन्हें सैदाबाद में माधवी के चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था संभालते संभालते एएसआई उमा देवी शायद भावनाओं में बह गई और ड्यूटी के दौरान माधवी लता को जादू की झप्पी देकर अपने ही डिपार्टमेंट से मुसीबत मोल ली। एएसआई उमा देवी को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों मतलब साफ है, ड्यूटी के वक्त ड्यूटी और कुछ नहीं। दोस्तों अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहता हूं।